गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस लेक्चर इज़ फॉर एमकॉम फर्स्ट सेमिस्टर, सब्जेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट, यूनिट फोर्थ, एंड वी विल डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ द फोर्थ यूनिट, नेमली कंज्यूमरिज्म. सो व्हाट इज कंज्यूमरिज्म? यू हैव टू रेफर पेज नंबर 9, यूनिट 4, पेज नंबर 9. सो व्हाट इज कंज्यूमरिज्म? Consumerism have always been the center of the country's economy. In recent marketing trends, consumers have been given a top priority. So, each and every activity in marketing is centered or concentrated on a particular consumer. Ultimately, we are taking care of the end user of the particular product. Consumerism means what? Consumerism means we have to take a care of that particular consumer. So whatever we sell the particular product, it must be a quality product, it must be a good or moderate price of the product, it must be a assured, a guaranteed product to the particular customer. So we can maintain the consumerism of that particular industry. So here, what is consumerism? Consumerism means that, as per the Peter Drucker, consumerism means that the consumer look upon the manufacturer as somebody who is interested but who really does not know what the consumer's realities are. He regards the manufacturer as somebody who has not made the efforts to find out, who does not understand the world which the consumers like, and who expect the consumer to be able to make. In today's world, consumerism encompasses many things, such as the protections against the environment pollution. And in simple words, we can say that consumerism, what is consumerism? Consumerism is the taking care of our customers and provide the best quality and best price of that particular goods to the customer. We do not make any false statement. We do not cheat our customer. That is called as the consumerism. Consumerism means क्या है कि consumer के बारे में जो है वो product consumer को अच्छे से available कर देना as per the required needs, likes of that particular customer. A product may be available to the customer as and when required. Product सिर्फ available करवा के देना ही consumerism नहीं है. तो वो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होना, वो प्रोडक्ट के फीचर्स अच्छे होना, वो प्रोडक्ट एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना, और वो प्रोडक्ट वो पर्टिकुलर कस्टमर को बेनिफिशिएट या बेनिफिट देने को होना. अ प्रोडक्ट विच इज़ नॉट हार्मफुल टू दी पर्टिकुलर कस्टमर, विच इज़ कॉल्ड एज दी कंज्यूमर, कंज्यूमरिज्म. सो गवर्नमेंट हैज़ फ्रेम द वेरियस लॉज रिगार्डिंग दिस. कई सारे लॉज हैं जो गवर्नमेंट ने फ्रेम किए हैं, कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो गवर्नमेंट ने फ्रेम किए हुए हैं. जैसे फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर्ड एक्ट है, प्राइस डिस्प्ले एक्ट है, यानी प्रोडक्ट पर जो है वो प्राइस लिखी हुई रहनी चाहिए. प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस हर प्रोडक्ट पर रहनी चाहिए, उससे ज़्यादा प्राइस वो जो पर्टिकुलर रिटेलर या होलसेलर जो है वो नहीं ले सकता है. तो ऐसे कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आर मेड बाय दी गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट दी इंटरेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कस्टमर. और ये सब जो एक्टिविटी है विच इज़ कॉल्ड एज दी कंज्यूमरिज्म. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है वो फ्रेम किया है गवर्नमेंट ने, उसके मुताबिक जो है द कस्टमर्स आर गेटिंग दी रिट्रेसल एजेंसी. अगर कुछ इस प्रकार की एक्टिविटी होती है कि कोई फॉल्स स्टेटमेंट किया है या कोई जो है वो फॉल्स क्लेम किया है कंपनी ने, या फिर हार्मफुल प्रोडक्ट दिया है या फॉल्टी प्रोडक्ट दिया है, तो ऐसे केस में जो है वो कस्टमर जो है वो पर्टिकुलर फोरम में जाके जो है वो कंप्लेंट कर सकता है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता है. अब लीगल मैटर में जाने की नौबत ही नहीं आए. इट इज़ दी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. हर एक जो
प्रोड्यूसर है, मार्केटर है, रिटेलर्स है, होलसेलर्स है, इन्होंने यहाँ पर जो है हम लॉ की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर जो कंज्यूमरिज्म में लॉ के पहले की बात करेंगे कि ये नौबत ही ना आए कि कस्टमर को कंप्लेंट करने की ज़रूरत हो। यहाँ पर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करके मार्केटर्स जो है, प्रोड्यूसर जो है, उनको ये ध्यान में रखना है कि कस्टमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड करते वक्त जो भी वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के फीचर्स वो प्रोड्यूसर बता रहा है, मार्केटर्स बता रहा है, वो फीचर्स उसमें रहने चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रहनी चाहिए और प्रोडक्ट की प्राइस उतनी ही रहनी चाहिए। इट शुड नॉट बी टू मच हाई एंड इट शुड नॉट बी टू मच लो। बहुत ज़्यादा कम किए तो प्रोड्यूसर जो है मैन्युफैक्चरर को लॉस होगा और बहुत ज़्यादा रखी तो कस्टमर का लॉस होगा, कस्टमर पे नहीं कर सकेगा। इसलिए जो मॉडरेट पॉलिसी जो है जिसमें दोनों का फायदा हो, ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जो है वो रखनी चाहिए। और उस प्रकार का कार्य सभी घटकों ने, जितने भी घटक हैं इसमें, एडवर्टाइजिंग से लेके, मार्केटिंग से लेके, डिस्ट्रीब्यूशन से लेके, पैकिंग से लेके, जो है पर्सनल सेलिंग से लेके, जो है वो सभी इसमें इंक्लूड है। क्योंकि कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंचने तक जो जो मिडल मैन या सपोर्टिंग पर्सन इसमें इन्वॉल्व है, वो सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि कस्टमर को चीट नहीं करना है, कस्टमर को फॉल्स स्टेटमेंट नहीं करना है, कस्टमर के साथ फॉल्स क्लेम नहीं करना है कि ये प्रोडक्ट, अगर ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया तो इस प्रकार का हो जाएगा, ऐसे फॉल्स क्लेम नहीं करना है। इट इज़ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर की केयर लेना है, विच इज़ कॉल्ड एज दी कंज्यूमरिज्म। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कुछ ऐसा होता है तो गवर्नमेंट हैज़ गिवन अश्योरेंस टू द कस्टमर्स कि वो उसकी कंप्लेंट कर सकता है। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें उसमें डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम, नेशनल फोरम, इस प्रकार के फोरम है, वो पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम में जा सकता है, वहाँ पे अगर उसको न्याय नहीं मिला तो वो स्टेट फोरम में जा सकता है, वहाँ पर भी उसको अगर न्याय नहीं मिला तो वो नेशनल फोरम में भी जा सकता है। लेकिन यहाँ तक जाने की नौबत ही ना आए जो है, इट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के मार्केटिंग से लेके प्रोड्यूसर से, प्रोड्यूसिंग से लेके मार्केटिंग से लेके जितने भी मिडल मैन है, सेल्समैन है, एजेंट है, होलसेलर्स है, फ्रेंचाइजी है, डीलर है, उन्होंने अगर पहले से ठान लिया है कि पहले से उन्होंने एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रख के अगर काम किया है कि हम कस्टमर को चीट नहीं करेंगे, जैसा हमने क्लेम किया हम कोई फॉल्स क्लेम नहीं करेंगे, जिस प्रकार के फीचर्स हम बता रहे हैं वस्तु में या जिस प्रकार की वस्तु बता रही है, जिस प्रकार का हम क्लेम कर रहे हैं उस प्रकार की वो वस्तु ही बेचेंगे, ऐसा अगर सबने अगर ठान लिया तो बाकी जो है वो लीगल मैटर में जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। और उसी को बोलेंगे हम कंज्यूमरिज्म की। कंज्यूमरिज्म का मीनिंग सिंपल वर्ड्स में इतना है कि कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए काम करना। तो यहाँ पर जो है वो हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो है वो सिलेबस कंप्लीट होता है। अगर चारों यूनिट जो है यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, आपको जो है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के लिए जो है वो नोट्स दिया हुआ है पीडीएफ फॉर्म में, उसको आप अच्छे से पढ़िए। उसके अलावा ये वीडियोस दिए हैं, ये वीडियोस आप देखेंगे तो बहुत सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं आपके जो है एमसीक्यू जिसको बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप उसके बदौलत जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा अगर ये पीडीएफ जो आपको नोट्स अवेलेबल हुआ है वो अगर आप पढ़ेंगे तो आपके बहुत सारे 99% जो है वो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। अब आपका काम है कि आप ये सभी वीडियोस रेफर करेंगे और खाली वीडियोस नहीं, ये वीडियो और वीडियो के सपोर्टिंग में ये पीडीएफ, ये दोनों रेफर करना है। और यहाँ पर जो है हमारा सिलेबस ख़त्म होता है और सभी को जो है आपकी एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छे से पेपर छुड़ाना है, बहुत अच्छे से आपको वीडियो देखना है, पीडीएफ देखना है और बहुत अच्छे से पेपर छुड़ाना है। सभी को बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू।